नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान जारी है। इनमें से बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शामिल है। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता, उत्तर कोलकाता, दक्षिण डायमंड हार्बर, जादवपुर, दमदम और बारासात, इसी के साथ ही बशीरहाट, जयनगर और मधुरापुरा के सीट शामिल है। बता दें कि बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट डायमंड हार्बर से टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में है। तो वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो यहां से अभिजीत दास को टिकट दिया गया है। साथ ही बशीरहाट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो टीएमसी ने हाजी नरुल इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारा है। कोलकाता दक्षिण से टीएमसी ने सांसद माला राय को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने देवश्री चौधरी को टिकट दिया है। बारासात से टीएमसी ने काकोली घोष दस्तीदार के साथ ही, बता दें आपको, बीजेपी ने स्वपन मजूमदार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जादवपुर सीट से टीएमसी ने सयूनी घोष को, वहीं बीजेपी ने समाज सेवी डॉक्टर अर्निबानी गांगुली को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें वाराणसी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों की साख्ताओं पर लगी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आपको, उत्तर प्रदेश से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, विकसित भारत बनाने में योगदान दे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मतदान केंद्र में पहुंचे और यहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, मतदान के बाद जनसभा को भी संबोधित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मतदान के बाद क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने, 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं, इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है,
लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। पंजाब से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि पंजाब की भी 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है और ये देख सकते हैं आप तमाम तस्वीरें बड़े बड़े चेहरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में वोट डाला। इसी के साथ ही वोटर्स से वोट डालने की अपील की है, कहा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जेपी नड्डा की जो वोट डालने के लिए पहुंचे। इसी के साथ ही बता दें आपको कि वोटिंग का ये आखिरी दौर है, 7वां चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां पर मतदाता जा रहे हैं अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। इसी के साथ ही बता दें आपको कि वाराणसी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ ही गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज जैसी तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है, मतदान जारी है। देखना होगा किसकी कहां से किस्मत चमकती है, किसका कहां से सितारा डूब जाता है, लेकिन बता दें आपको कि 7वां चरण है और लगातार वोटर्स वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं और अब की बार 400 पार का नारा सफल होगा या फिर कोई नई सरकार बनेगी, इसका फैसला भी जल्द होगा। तो बता दें आपको उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वहीं बंगाल में भी आज तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और उस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बंगाल से शुभम तिवारी जुड़ चुके हैं, नगेंद्र भाटी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही गोरखपुर से सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगेंद्र, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है इस लिहाज से मतदान केंद्रों की क्या कुछ स्थिति अभी तक समझ आई है? बिल्कुल नेहा, देखिए अभी तक यदि बात करें तो 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी। पहले चरण का जो चुनाव था वो 19 अप्रैल को हुआ था और अब अंतिम चरण का चुनाव आज चल रहा है। आप देखिए कि इस बीच जो गर्मी है उसका प्रकोप भी बढ़ा है और अब लगभग 50 के आसपास जो टेम्परेचर है वो है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना तो वो भी यही कह रहे थे कि कई दशकों बाद इस तरह की स्थिति आई है कि तापमान इतना है, गर्मी इतनी है, तो उसका असर निश्चित तौर पर वोटिंग पर भी पड़ेगा। और आप देखिए कि ज्यादातर जो वोटर है वो सुबह और शाम में ही वोटिंग करता है। अब यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है उनमें से 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने 11 जो लोकसभा सीट हैं वो जीती थी और 2 बीएसपी के पास गई थी, यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो हैं उस बार गठबंधन में थे, तो ये जो 2 सीट हैं वो बीएसपी ने जीती थी और 11 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। और अब आप देखिए कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इस बार जो बाकी 2 सीट हैं उन पर भी दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और पूर जोर कोशिश की जा रही है कि इस चरण की जिन 13 सीटों पर वोट हो रही हैं वो सभी भाजपा के पाले में जाए। आप देखिए कि जैसे गाजीपुर सीट है वो बीएसपी ने जीती थी 2013 में, लेकिन इस बार जो सांसद महोदय हैं वो सपा में आ गए हैं और वो अब इस बार सपा से वहां से ताल ठोक रहे हैं, तो बीएसपी के लिए भी चुनौती है। हालांकि अभी फाइट में कहीं नहीं दिख रही है गाजीपुर की यदि बात करें, उसी तरह से घोसी जो लोकसभा है वहां से भी बीएसपी का कैंडिडेट जीता था और इस बार यदि एनडीए की बात करें तो वहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जो हैं वो चुनाव जीते हैं। घोसी मात्र
मात्र एक बार बीजेपी इस सीट को जीत पाई है 2014 में, तो 2014 वाला ही प्रदर्शन इस बार भी भाजपा नेता चाह रहे हैं। हालांकि कोशिश पूरी है, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके साथ चुनौतियां भी हैं। सचिन यादव हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सचिन यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर दिया है और क्या कुछ माहौल है मतदान केंद्रों का, वोटर्स की किस तरह से भीड़ है? देखा जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है, कहीं कहीं चौक चौराहों से लेके मतदान स्थल पे पुलिस व प्रशासन का चौक चौराहा व्यवस्था किया गया है। जी शुभम यादव, शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। शुभम, बंगाल की तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है क्योंकि गर्मी का भी प्रकोप लगातार देखा जा रहा है तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में। किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, पहले तो बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त जो वोटर है बंगाल का उनमें किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ स्थिति है? जी नेहा, आज पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है, एक जो उपचुनाव भी हो रहा है एक एमएलए सीट पर। लेकिन मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त जादवपुर के अंतर्गत, जो लोकसभा सीट है जादवपुर उसके अंतर्गत एक यहाँ पर स्कूल है जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वोटिंग चल रही है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम थोड़े और पास जाएंगे। अभी मेरे पास से कुछ लोग गुजर रहे थे वोट डालकर और उन्होंने दिखाया अभी कि वोट का जो पर्व है किस तरह से मना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ से जो जादवपुर के जो लोकसभा प्रार्थी हैं बीजेपी के निर्वाण गांगुली, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने वोट दे के जो एएमवी नेटवर्क के हमारे साथ बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने वोट दिया है। तो जादवपुर केंद्र में हम खड़े हुए हैं, अभी हम और भी जगह जाएंगे वहां से दिखाएंगे कि किस तरह का वोट है। 9 जगहों पर हाई प्रोफाइल, 9 ही जगह जो है हाई प्रोफाइल है और सब जगह से जो है वो चेहरे बहुत ही मतलब जो कांटे की टक्कर है एक दूसरे को जो लड़ाई दे रहे हैं। जी नगेंद्र भाटिया हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हैं। नगेंद्र, जब हम वाराणसी की बात करते हैं तो देखा गया किस तरह से प्रधानमंत्री भले ही कन्याकुमारी में थे लेकिन लगातार वाराणसी सीट चर्चा का विषय बनी हुई थी क्योंकि आज यहाँ पर मतदान है। यहाँ पर किस तरह का आपको समीकरण नजर आने वाला है, क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी का वोट शेयर और भी ज्यादा बढ़ेगा या फिर थोड़ी सी टक्कर बढ़ गई है? से जो प्रत्याशी होता है यदि पहले से ही ये क्लियर है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो उस लोकसभा से जो सांसद जीतेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप देखिए कि वाराणसी से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी यदि जीत कर आते हैं तो वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसका असर वोटर्स पर पड़ता है और वोटर जो है ना सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है बल्कि वो चाहता है कि हमारे यहां से जो प्रत्याशी पीएम का कैंडिडेट है वो जीत कर जाए। और उसका असर आपने 2014 में भी देखा जब तो पहली बार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़े थे, उसके बाद 19 में भी वहां से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते और इस बार भी उम्मीद वैसी ही की जा रही है कि नरेंद्र मोदी वहां से रिकॉर्ड मतों से विजयी हो। हालांकि जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है और तमाम जो कोशिश है वहां भी घटक दलों की तरफ से की गई है कि जो अजय राय हैं वो मजबूती से वहां चुनाव लड़े और वो मजबूती से चुनाव लड़े भी हैं। लेकिन आप देखिए कि उनके सामने जो नरेंद्र मोदी का कद और मौजूदा पद है उसके सामने अजय राय भले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका कद छोटा है और वो असर यहां वोटर्स के मन पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक सीट ऐसी है जिसको कि पूरा विपक्ष भी मानकर चल रहा है। अभी आप देखिए कि अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया कि वो उत्तर प्रदेश की 79 सीट जो है वो जीत रही है, यानी जिस एक सीट को हार रहे हैं वो कौन सी है, वाराणसी। तो विपक्ष भी ये मानकर चल रहा है कि वाराणसी में उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो जब विपक्ष ये मानकर चुनाव लड़ रहा है तो नतीजे आप खुद ही लगा सकती हैं कि किस तरह के रहेंगे।
बिल्कुल नागेंद्र, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, बीजेपी तो 80 का पूरा नारा दे रही है, लेकिन जब एक बड़ा कैंडिडेट किसी भी प्रत्याशी के सामने लाया जाता है तो वहां से चुनौतियां बढ़ जाती हैं, तो क्या विपक्ष को इस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि जो वाराणसी के आसपास की के जो संसदीय क्षेत्र हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। और आप देखिए कि कई बार जो विपक्ष है या जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो असहाय साबित करते हैं, समझते हैं, या ऐसा माहौल हो जाता है, और उस तरह का ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि एक दौर था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी तो उनका जिस तरह का पकड़ थी उनकी जनता के बीच में, वैसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि ना सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी नरेंद्र मोदी का असर होगा, और यह भाजपा भी मानकर चल रही है। तो अभी तो वोटिंग शुरू हुई है, देखिए पहले तो सबसे पहले यह देखना होगा कि वोटिंग प्रतिशत क्या जाता है, क्योंकि जब तक जनता का रुझान नहीं होगा मतदान केंद्रों तक तब तक स्थिति उतनी साफ नहीं होगी। बिल्कुल, शुभम तिवारी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। शुभम, अगर मैं बात बशीरहाट लोकसभा सीट की करूं तो जो कि ये संदेश खाली का लोकसभा क्षेत्र एक तरह से इसको माना जाता है, यहाँ पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है, कारण सभी को पता है, लेकिन आपको यहाँ से किस तरह की जो मुद्दे हैं वो नजर आते हैं, किस तरह का वोटर्स का जो बिहेवियर है वो अभी तक आपको समझ आया है? जहां से रेखा पात्रा बीजेपी से खड़ी हुई है, टीएमसी से शेख नूरुल इस्लाम और सीपीआईएम से निरापद सरकार है। जी, जैसे कि आपको पता है पिछले कई महीनों से वहां पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगता आ रहा है और ये मुद्दा बंगाल के लिए सबसे बड़ा साबित हुआ, और आज वहां पर वोटिंग हो रही है। अभी मैं बता दूं वहां भांगर के एक इलाका उसी जो लोकसभा के अंतर्गत आता है जहां पर बमबारी, जहां पे ईवीएम मशीन को पानी में फेंक दिया गया है, लेकिन वोटिंग रुकी नहीं है। जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स के पास जो एक्स्ट्रा वोटिंग मशीन, जो ईवीएम मशीन थी उन्होंने वहां लगाई गई, वहां पे लगातार कुछ अशांति की घटनाएं वोटिंग शुरू होने के बाद से ही आने लगी है। तो मैं बता दूं कि वहां का जो आज का जो माहौल है सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वहां पर बमबारी है, कुछ जो ईवीएम मशीन भी फेंकी गई है, तो आप समझ पा रहे हैं कि जहां का माहौल कई महीनों से खराब था आज भी वहां पर अशांति की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें कोलकाता की, यहां पर कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण, जहां कोलकाता दक्षिण में माला रॉय जो लगातार जीतती आ रही है, तीन बार से टीएमसी की ही जो है वो एमपी है, और इस बार भी बीजेपी सॉरी टीएमसी ने उन पर भरोसा जताया है। उनके समक्ष खड़ी हुई है बीजेपी से देवोश्री चौधरी, जो बड़ा चेहरा है, वो भी 2019 में बीजेपी से एमपी जीती हुई है, और यहाँ पर सीपीआईएम से टक्कर दे रही है शायरा शाह अली, लेकिन टक्कर माला रॉय और देवश्री चौधरी है, जिसमें माला रॉय का पलड़ा लगातार भारी दिख रहा है। अब आते हैं नॉर्थ जो कोलकाता है, नॉर्थ कोलकाता में सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय जो एक बड़ा चेहरा है, हमेशा लगभग पांच बार वो एमपी रह चुके हैं, इस बार फिर टीएमसी ने उन्हीं को वहां का चेहरा बनाया है, लेकिन उनके समक्ष खड़े हुए हैं बीजेपी से तापस रॉय, जिन्होंने टीएमसी के में रहते हुए कुछ महीने पहले, इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही टीएमसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने अपना जो एमएलए पद था उसको त्यागा, जहां आज उपचुनाव भी हो रहा है बारानगर में। तो जो तापस राय है वो भी बड़ा चेहरा है, और वहां पर सुदीप बंदोपाध्याय है वो भी बड़ा चेहरा है। तो सबसे ज्यादा जो बीजेपी की शाख दांव पे लगी हुई है वो उत्तर कोलकाता से लगी हुई है, क्योंकि जो सुदीप बंदोपाध्याय का चेहरा है। जब हम जादवपुर और दमदम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बीजेपी के सामने चुनौतियां कई है, इस सीट को लेकर आपको क्या कुछ समझ आया है अभी तक? क्योंकि ये दोनों सीटें हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है, सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, दमदम और जादवपुर की आपने बात की, तो जादवपुर केंद्र में मैं अभी खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर जो बीजेपी से अनिर्वाण गांगुली हैं और टीएमसी से साइनी घोष हैं, जो टीएमसी की स्टेट की जो युवा नेत्री हैं, वहीं पर सुजन भट्टाचार्य सीपीआईएम से उनको टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की चुनौतियां इसलिए है क्योंकि साइनी घोष एक लड़ाकू नेत्री है, वहीं सुजन भट्टाचार्य भी एक लड़ाकू नेता बन के उभरे हैं पिछले कुछ ही दिनों से। दोनों युवा चेहरे जब उनके सामने आते हैं बीजेपी को टक्कर मिलती है,
और ऐसा नहीं है कि अनिर्वाण गांगुली उन्हें टक्कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइनी घोष से उनकी कड़ी टक्कर है, सृजन भी उनको टक्कर दे रहे हैं। दमदम से बात करें सौगत रॉय की, तो पुराना चेहरा है और लगातार जीतते आ रहे हैं, वो भी तीन बार चार बार चौथी बार इस बार उनको एमपी में ये मिला है, टिकट मिला है बीजेपी से। वहां पर है शील भट्ट दत्त और सीपीआईएम से सुजन चक्रवर्ती, जो सीपीआईएम का बड़ा चेहरा है, उनको टक्कर दे रहे हैं। तो सौगत रॉय की ये टक्कर तो पड़ी है, लेकिन नॉर्थ कोलकाता के बराबर नहीं है। सौगत रॉय वहां से जो शील भट्ट दत्त है और सुजन चक्रवर्ती दोनों को टक्कर देते दिखते हैं। जी सचिन यादव गोरखपुर से, जब हम रवि किशन की बात करते तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों में उनके प्रति रुझान दिखता है, लोग उनके काम को भी सराहते हैं, लेकिन इन पांच सालों में आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का फर्क समझ आ रहा है? और यहाँ के मतदाता मुख्यमंत्री के चयन पे मतदान करते हैं। सचिन अपनी बात दोहराइए एक बार, आवाज नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का गृह संसद है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के चेहरे पे लोग यहाँ पे मतदाता मतदान करते हैं, और देखा जा रहा कहीं से भीषण गर्मी में मतदाता काफी लंबी कतार में लाइन में लग के मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है नगेंद्र भाटी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नगेंद्र, जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वोट है वो तीन खास चेहरे आ जाते हैं बीजेपी के, चाहे वो रवि किशन हो या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस चुनाव की जब हम बात करते हैं तो 2024 में किस तरह का बदलाव है अगर 19 से कंपेयर किया जाए तो? बिल्कुल, देखिए यहाँ से रवि किशन मौजूदा सांसद हैं, 2019 में वो लोकसभा चुनाव जीते थे और उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी से काजल निषाद जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ सिर्फ रवि किशन की साख दाव पर नहीं है बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी, क्योंकि वो क्षेत्र है तो उनकी भी साख यहाँ पर दाव पर है। और आप देखिए कि जिस तरह से रवि किशन अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं वो शायद योगी आदित्यनाथ की वजह से ही उनको लग रहा है कि ये जो सीट है उनके लिए आसान होगी। उसी तरह से आप काजल निषाद की यदि बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार उन्हें शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लगता है कि वो रवि किशन को ना सिर्फ कड़ी टक्कर देंगी बल्कि इस बार परिणाम जो है वो भी बदल सकते हैं। तो देखिए अपने अपने दावे हैं और क्योंकि दावे करने भी चाहिए चुनावी मैदान में है। एक सीट पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।